चंडीगढ़ के सैक्टर 32 हस्पताल के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलिया है, जिथे दो नौजवान जख्मी हुए ने जो कि लंगर लाने की तैयारी कर रहे सन। 32 के टैक्सी स्टैंड के नजदीक खड़े सन। इसे विचाले बदमाश आते ने ते अन्ने वाक गोलियां चला के उतों फरार हो जाते रहे। दसिया जा रहा है कि जिस शख्स से गोली चलाने की कोशिश की गई वह तो बच गया, पर उसके नाल आए साथी के गर्दन च गोली लगी है, जबकि दूसरे मुंडे के हाथ के गोली वजी है। दोनों ही जख्मी हालत 32 हस्पताल भर्ती करवाया गया है। यह पुरानी रंजिश का मामला दसिया जा रहा है, जिस कारण गोलियां चलाईया गई ने। दस दिए कि 32 के हस्पताल के बाहर ही ये ताबड़तोड़ गोलियां चलिया ने, फायरिंग हुई है। एक नौजवान के हाथ च गोली लगी है, जबकि दूसरे की गर्दन च गोली लगी है। बेशक दोनों की हालत स्थिर दसी जा रही है, पर हस्पताल के बाहर इस तरह के नाल गोलियां चलना पुलिस के लिए भी चुनौती। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और हालातों का जायजा लिया जा रहा है। इतने भी दस दिए कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुरानी रंजिश का यह मामला दसिया जा रहा है, जिथे मुंडे इकट्ठे हुए सन 32 टैक्सी स्टैंड के नज़दीक। लंगर लगाना सी, लंगर लगाने की तैयारी कर रहे सन, तो इसके विचाले ही बदमाश आते ने ते गोलियां चला के उतों फरार हो जाते हैं। जिस लड़के ते निशाना लगाया गया उसते गोली नहीं लगी, वह बच गया, बल्कि उसके नाल आए साथी दे गोली लगी है। उसकी गर्दन च गोली वजी है। जख्मी हालत दे विच उसनू भी हस्पताल च भर्ती करवाया गया है, जबकि टैक्सी स्टैंड ते खड़े एक होर मुंडे दे हाथ च गोली लगी है, तो वह भी हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश का यह मामला दसिया जा रहा है, जिसनों लैके पुछ पड़ताल की जा रही है। तो हम 3-4 दिन से हमारी सलाह चल रही थी कि लंगर लगाना है, तो शराब तो करके हम रुके हुए थे, नहीं तो हमने तो 3-4 दिन पहले लंगर लगा देना था। एकदम से हम लंगर लगाने के यहाँ पे रॉक भाई को मैंने फोन करा, रॉक भाई का मेरे को फोन आया कि हम लगा लेते हैं 6 तारीख का लंगर। 6 तारीख का लंगर लगाने के लिए हम यहाँ पे बैठे कि हम आज सारी वो करके सेटिंग करके आज सारे उनको हलवाई को साई सुई पकड़ा के सारा कुछ नबेड़ा कर लेंगे। रॉक भाई ने मुझे बुला लिया 32 स्टैंड पे। मैं 32 स्टैंड पे आया, वहाँ पे कुणाल भाई थे, उन्होंने बोला कि 15 मिनट पहले कुणाल भाई निकले। वहाँ से कुणाल भाई निकले, ठीक है, कुणाल भाई को छोड़ गया ये भाई। अच्छा, एक मिनट आप लाइन में हो, वो सैंपल लेके आए। हाँ, फिर क्या? फिर जी एकदम से उन्होंने किया कि क्या बोलते हैं, लंगर लाना अपने। गोली किथे लगी उधर? गोली जी मेरे साथ के लड़के के लगी है। गोली किथे लगी है? मेरे साथ के लड़के गर्दन पे, जो पहला फायर चलाया मेरे पे, पहला फायर चलाया मेरे पे, वो मेरे साथ के लड़के की गोली लगी गर्दन पे। अच्छा, हाँ, वो अपने होश में नहीं थे। गोली भी बड़ी दिक्कत, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं भाई की थे। 10 दिन पहले मैंने उसे टोका था, उसने मेरे 40-40 उस पीछे मैंने उसे टोका था कि भाई मेरे पैसे का हिसाब किताब कर दे। कितने बंदे से गोली लगी है भाई? 2 बंदों में गोली लगी है। कितने लगी गोली? एक रॉक भाई है जिनका स्टैंड है, ठीक है, एक लगी हनी बाहर जाकर जो गोली मेरे पे चलाई, उस करके वो रॉक भाई चकन्ने हो गए। रॉक से कितने लगी गोली? रॉक भाई के हाथ में लगी। और दूसरे ने? दूसरे गर्दन में गोली लगी। गर्दन से? हाँ जी। कोई पुरानी रंजिश थोड़ी भाई? रंजिश का तो पता नहीं, तो केस वार है सारे, एक ही केस में केस वार है। केस वार है? इन्होंने कोई 307 की झगड़ा हुआ था यहाँ पे ड्राइवरों के साथ। अच्छा, कोई मनीष मनीष है मेरे को भाई ने नाम बताया कि मनीष है कोई। अच्छा, उस केस में सारे केस वार है। अब हम गोलियाँ दोनों के हाथों से लगी? नहीं, एक के गर्दन में लगी है, एक के हाथ में। इसी गर्दन पहले गोली थोड़े पे चलाई? हम तो बैठे थे स्टैंड पे, एकदम से दोनों बंदे सीट पे बिते, सिगरेट वाली दुकान पे आ रहे, सिगरेट वाली दुकान से पूछ सकते हैं इस पे। तो दोनों का पिछला भाई इतना नहीं पता, तो जैसी गोली चली हम तो सोसाइटी को बात। अब मुझे दोनों हॉस्पिटल जाकर? हाँ जी, हाँ जी, देखते हो चंडीगढ़ के सेक्टर 32 हॉस्पिटल के नाल स्टैंड है, जिसे एम्बुलेंस करनी है। उत्ते फायरिंग का मामला सामने आया, 2 बंदे से फायरिंग की गई है, दोनों मुंडे जख्मी हो गए। एक का नाम रॉक, दूजे का हनी भारद्वाज। दसा जा रहा गोली चिनाल वाले कौन ने, वो भी जाना गए गोली चलाई कि एक तो सन्नी बामण है। अच्छा, सन्नी बामण है डिग्गू मारे पिंड का, एक उसके साथ का लड़का था जिसे काली बोल रही है। काली? हाँ जी। ये भाई रॉक भाई जानते हो अच्छे, जिन पे गोली चलाई है रॉक भाई पे, जिनके हाथ में लगी, वो दोनों अच्छे से जानते हो। रॉक
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਇਨਲੀਗਲ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀਨਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 24।